गन्ने के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर किसानों द्वारा कैथल चीनी मिल का काम ठप कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में गन्ने के भाव में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन गन्ने के उत्पादन का खर्च 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है। किसानों द्वारा हरियाणा सरकार से 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देने की मांग की जा रही है। किसानों द्वारा कैथल प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हरियाणा की सभी चीनी मिलों का काम रोक दिया जाएगा। किसान नेता बातचीत से मना करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आइए मौके पर मौजूद किसान नेताओं की बात सुन लेते हैं। आज का जो धरना भारतीय किसान संघ और गन्ना संघर्ष समिति की ओर से है, ये धरने का दूसरा दिन है। भारतीय किसान संघ और गन्ना संघर्ष समिति की मांग है कि हरियाणा सरकार गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दे। पिछले 3 महीने से हमने 60 एमएलएओं को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को, शुगर फेड के चेयरमैन को ज्ञापन दिया कि किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य दिया जाए और 30 रुपए की बढ़ोतरी की जाए, कुल 370 के हिसाब से दिया जाए। लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनी। फिर हमने अब सभी ने संकल्प किया कि हम हरियाणा सरकार से 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव लेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे और हरियाणा के 14 के 14 शुगर मिलों को बंद करेंगे। 2 दिन से हमने कैथल शुगर मिल को बंद किया हुआ है। प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, अलग अलग प्रकार की धमकी दे रहा है, किसानों को बॉन्ड बंद करने की धमकी दे रहा है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। भारतीय किसान संघ, गन्ना संघर्ष समिति और गन्ने के किसान 400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव लेके रहेंगे। हमने जो प्रेस के माध्यम से पता लगा कि किसानों को नोटिस दे दिया, ऐसा कोई नोटिस नहीं था जी। आज सुबह इन्होंने नोटिस लगाया, हमने वापस लिख के लिखित में ये कहा है कि अपनी सुविधा के अनुसार हम बताओ, आपको भी तंगी ना हो और हमारे को भी तंगी ना हो, लेकिन हमारी मांग निरंतर जारी रहे क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, गन्ने के रेट को लेकर है, हमारी कैथल प्रशासन से लड़ाई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है कि ये किसानों पे लाठी चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ जलियांवाला बाग की परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं ये खुले मन से कहता हूँ, किसान हमारा देशभक्त किसान है, राष्ट्रभक्त किसान, संगठन का किसान है, ये कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के पालना करेगा, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन अपने हकों के लिए ये निरंतर जारी लड़ता रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने रेट तो देना दूर की बात, किसानों के अंदर आज ये भी गुस्सा है, जब किसानों ने बात करनी चाहिए तो मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट जवाब दे दिया। तो मैं मांग करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी देश के राजा, जनता के हाल चाल और उसका दुख दर्द नहीं जानेंगे तो इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसे मुख्यमंत्री की हम घोर निंदा करते हैं और कामना करते हैं ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा इस राज का मुंह ना देखे और इस सरकार को भी किसान गिराने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा के गन्ना किसानों की मांगों के समर्थन में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।